स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ऑन सीकैट एग्जाम के ऊपर। सीकैट एग्जाम में थोड़े मुझे अच्छा लगा कि आई आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ये लेक्चर बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऑल जो भी सिलेबस है उसके ऊपर अगर आपको वीडियो देखने हैं तो चैनल को ज्वाइन भी जरूर करने का। तो चलो डिस्कस को हम स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पर सीकैट एग्जाम में तीन सेक्शंस रहते हैं। यहाँ पर सेक्शंस, फर्स्ट पॉइंट अपना सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो इस प्रकार से थ्री सेक्शंस रहते हैं। अब ये अलग अलग सेक्शन क्यों डिवाइड किया है ये आपको वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा। तब तक हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो सीकैट का सीडैक का कोर्स करने के लिए, उसके पहले सीडैक के एडमिशन के लिए आप अपने को प्री कैट का एग्जाम देना पड़ता है, उसी के थ्रू अपना एडमिशन हो जाता है। तो सीकैट एग्जाम में तीन सेक्शंस रहते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो देखो हर एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो सेक्शन ए के लिए कितने क्वेश्चंस रहते, 50 क्वेश्चन रहते 50। सेम उसी प्रकार से सेक्शन बी के लिए भी 50 और सेक्शन सी के लिए भी 50 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मार्क ऑफ ईच क्वेश्चंस, मतलब ईच क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। सेक्शन बी में भी 3 मार्क्स और सेक्शन सी में भी 3 मार्क्स, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो निगेटिव मार्किंग सिस्टम होती है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका एक मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा, मतलब माइनस किया जाएगा। जितने भी आपको मार्क्स मिले हैं उसमें से अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 मार्क माइनस किया जाएगा। आपको पता ही होगा निगेटिव मार्किंग सिस्टम क्या होती है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए -1 -1 किया जाएगा अगर आपका आंसर गलत हो गया तो, सेक्शन ए में भी, सेक्शन बी के लिए भी और सेक्शन सी के लिए भी। तो टोटल मार्क्स कितना रहता है सेक्शन ए के लिए 150 का, सेक्शन बी के लिए भी 150 का और सेक्शन सी के लिए भी 150 का। देख सकते हो 50 क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स है। तो इस प्रकार से टोटल 150 का हो गया आपको, सेक्शन ए का 150, सेक्शन बी 150 का और सेक्शन सी 150 मार्क्स का हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात है टाइमिंग। तो टाइमिंग सेक्शन ए के लिए 1 आवर्स का टाइम रहता है, आपको एक घंटे में ही आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने का है, समझ में आया। उसी प्रकार से सेक्शन बी में भी 50 क्वेश्चन आपको एक घंटे में ही सॉल्व करने का है, और सेक्शन सी में भी 50 क्वेश्चन आपको 1 आवर्स का ही टाइम फ्रेम है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर सेक्शन ए का एग्जाम कंडक्ट हुआ तो उसके बाद आपको 15 मिनट्स का गैप दिया जाता है, सेक्शन ए में और सेक्शन बी के अंदर आपको 15 मिनट्स का आपको गैप दिया जाता है, 15 मिनट्स का आपको गैप दिया जाता है, समझ में आया। सेम उसी प्रकार से आपका सेक्शन बी का एग्जाम हो गया तो उसके बाद आपको सेक्शन सी और सेक्शन बी में यहाँ पर भी 15 मिनट्स का गैप रहता है, मतलब हर एक घंटे के लिए सेक्शन अलग अलग सा है। आप सेक्शन बी का टाइमिंग सेक्शन ए को नहीं दे सकते, या सेक्शन सी का टाइमिंग आप सेक्शन बी को नहीं दे सकते। आपको एक घंटे में खाली सेक्शन ए ही कंप्लीट करने का है, उसके बाद 15 मिनट का गैप रहेगा, फिर सेक्शन बी का एग्जाम स्टार्ट होगा, उसके बाद 15 मिनट्स का गैप रहेगा और उसके बाद सेक्शन सी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक बार आप सेक्शन बी का एग्जाम स्टार्ट करोगे तो आपको सेक्शन वन का आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो पेपर एग्जाम हो गया, सेक्शन ए का हो गया, उसका क्वेश्चन आप बाद में रिपीट नहीं देख सकते, ये बात आप ध्यान में रखने का। तो एक एक घंटे का टाइम है सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी के लिए और सेक्शन सी के लिए। अब हम देखते हैं कि ये सेक्शन इस प्रकार से डिवाइड क्यों किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैटेगरी ऑफ पीजी डिप्लोमा कोर्सेज एंड द कोरोस्पॉन्डिंग टेस्ट पेपर्स इन सीकैट। तो देख सकते हो आप यहाँ पर कैटेगरी है सीडैक का, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सीकैट पेपर सेक्शन ए, सेक्शन ए प्लस बी और सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी दिया है यहाँ पर। तो देखो अगर आपको सीडैक कोर्स में, अगर आपको पीजी डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको अगर कोर्स कंप्लीट करने का है तो आपको सेक्शन ए का पेपर देना ही चाहिए, कंपलसरी है। सेक्शन ए का पेपर दिया तो ही आपको इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पर कैटेगरी टू में अगर आपको इसमें यहाँ से यहाँ तक कोर्सेज करने का है, मान लो आपको पीजी डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग में करने का है या फिर बिग डेटा एनालिटिक्स, उसके बाद आपको देख सकते हो यहाँ पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम एंड सिक्योरिटीज में करने का है या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल कंप्यूटिंग और एडवांस सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
और उसके बाद एचपीसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, अगर इसमें करने का है आपको तो आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का एग्जाम देना कंपलसरी है, तभी आप इसमें कर सकते हो। और सेक्शन थ्री का आप देख सकते हो यहाँ पर कैटेगरी थ्री में, अगर आपको एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन में करने का है या फिर VLSI डिज़ाइन और रोबोटिक्स एंड अलाइड टेक्नोलॉजीज, इसमें अगर आपको कोर्स करने का है तो आपको सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी का एग्ज़ाम आपको देना अनिवार्य है, समझ गए। तो इसीलिए सेक्शंस डिवाइड किए, अगर आपको कैटेगरी वन का कोर्स करने का है तो आपको सेक्शन ए देना ही पड़ेगा कंपलसरी, अगर आपको कैटेगरी टू के कोर्सेज करने के हैं इसमें से तो आपको सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर आपको कैटेगरी थ्री का कोर्स कर लेने का है तो आपको सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आप जब फॉर्म भरते हो तो आपको वहाँ पर पूछा जाता है कि सेक्शन ए का एग्जाम देने का है ओनली, या सेक्शन ए प्लस बी का देने का है, या फिर सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी का देने का है। आपको फॉर्म भरने का मैं भी वीडियो बनाऊंगा, एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने सब आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सभी आपको सिलेबस अटेंड करने का है, सभी डाउनलोड नोट्स डाउनलोड करने का है, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।